नमस्कार एपीएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के बाद अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर ऊपरी आयु सीमा में छूट की भी जानकारी दी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ये घोषणा की गई थी। अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में समाहित करने का गृह मंत्रालय का निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पूर्व अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति की आयु तक रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यहां हम आपको बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस अग्निवीरों को लेकर सरकार की ओर से क्या क्या ऐलान किए गए हैं। सरकार की ओर से पूर्व में इस नौकरी में गिनाए गए फायदों के अनुसार इन अग्निवीरों में से ही अधिकतम 25% को फिर बाद में परमानेंट होने का मौका दिया जाएगा, यानी 4 में से 1 अग्निवीर को पक्की नौकरी मिलेगी। सरकार की माने तो 4 साल आर्मी में रहकर लौटा युवा दूसरे की अपेक्षा नौकरी पाने के लिए ज़्यादा योग्य होगा। अग्निवीरों को 4 साल बाद गृह मंत्रालय सीएपीएफ और असम राइफल की भर्ती में प्राथमिकता देगा। बड़ी कंपनियों ने अग्निवीरों को नौकरी देने का ऐलान किया है। 4 साल में अग्निवीरों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होगा। ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स की मान्यता देश विदेश में होगी। मंत्रालय ने कहा है कि बीएसएफ और सीआईएसएफ में भर्ती को लेकर एक सामान्य फैसला लेते हुए पूर्व अग्निवीरों के पहले बेंच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल और अन्य बेंचों के उम्मीदवारों के लिए 3 साल तक की छूट दी जाएगी। योजना के तहत 21 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा पर भी सशस्त्र बलों में शामिल होने वालों को पहले बेंच के मामले में से सेना या वायु सेना या नौसेना में 4 साल की सेवा के बाद 30 वर्ष की आयु तक सीआईएसएफ द्वारा भर्ती किया जा सकता है। बाद के बेंचों के लिए ये 28 साल तक है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को दोनों ही बलों में भर्ती के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से भी छूट दी जाएगी। इसके अलावा बीएसएफ और सीआईएसएफ में फिजिकल टेस्ट से भी छूट दी जाएगी। 11.72 लाख से अधिक को रिटायरमेंट फंड मिलेगा। सेना जैसी सब सुविधाएं, खाना पीना रहना भी फ्री होगा। शहीद अग्निवीरों के परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि भी मिलेगी। तो ऐसी और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एपीएन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।